हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम ये ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसमें हमें ये दिखाना है कि अगर हमारे पास दो ग्रुप हैं G1 और G2, ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है किसका, G1 क्रॉस E2 का एंड E2 क्रॉस G2 का, और ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G1 क्रॉस G2 का। ये हमें क्या करना है, शो करना है। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि G1 क्रॉस G2 जो है वो सबसेट है किसका, G1 क्रॉस G2 का। फिर हमें ये दिखाना है कि ये G1 क्रॉस E2 जो है वो एक सब ग्रुप है। फिर दिखाना है कि G1 क्रॉस E2 जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। यही चीज़ हमको दिखाना है। तो तीन चीज़ें इसमें दिखानी है, काफ़ी सिंपल सा स्टेप है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है इसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक जो एलिमेंट है हमारा जो कि नॉर्मल सब ग्रुप का होगा, सब ग्रुप का होगा, उसे हमें लेट मान लेना है। तो लेट G1 कोमा H1 कोमा E1 बिलोंग्स टू G1 एंड G2 कोमा H2 कोमा E2 बिलोंग्स टू G2, ठीक है। हमने क्या किया कि कुछ एलिमेंट जो है वो G1 का मान लिया और कुछ जो एलिमेंट है वो G2 का मान लिया, ठीक है। देन हमें क्या निकालना है, G1 क्रॉस G2। तो आइए निकालते हैं, ये एक सेट फॉर्म करा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, G1 G2 एक साथ आ जाएगा। तो ये हो गया G1 कोमा G2 डॉट डॉट, ये हो जाएगा H1 कोमा H2 फिर डॉट डॉट, और ये हो जाएगा हमारा E1 कोमा E2। ये हमारा एक सेट बन गया। एंड क्या करना है, अब यहाँ से देखिए, ये पहले वाला हमारा निकालना है क्या, G1 क्रॉस E2। तो ये निकालते हैं, तो ये हो जाएगा G1 क्रॉस E2। तो अब G1 क्या है, तो G1 है हमारे पास G1 कोमा H1 कोमा E1। ध्यान से देखिए कि जो G1 है उससे ये ही तीन एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना। तो इतना इनटू क्या, E2। तो यहाँ पे लिखेंगे E2। अब इसका क्या करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमें देगा G1 कोमा E2 कोमा H1 कोमा E2 कोमा E1 कोमा E2। ये इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया। तो फर्स्टली हमें क्या शो करना है, फर्स्टली वी हैव टू प्रूव डैट, वी हैव टू प्रूव डैट। फर्स्टली हमें ये प्रूव करना है कि जो G1 क्रॉस E2 है ना, ये हमारा एक सब ग्रुप है। तो इज अ सब सेट ऑफ G1 क्रॉस G2। फर्स्टली हमें ये दिखाना है कि ये सबसेट है, उसके बाद हमें ये दिखाना है कि ये एक सब ग्रुप है। तो सबसेट दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा दोनों एलिमेंट है उसका नेगेटिव टेक करना होगा। जैसे देखते हैं कैसे टेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट हो जाएगा, नाउ G1 कोमा E2 और यहाँ से हो जाएगा H1 कोमा E2 का इन्वर्स इज इक्वल टू, ये होगा G1 कोमा E2 और ये हो जाएगा H1 का इन्वर्स इंटू E2 का इन्वर्स। देखिए ये दो एलिमेंट हमने लिया है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला। तो ये वाला एलिमेंट जो है G1 E2, ये जैसे के तैसे रहा। अब यहाँ H1 और E2 का हमने इन्वर्स लिया है, इन्वर्स लिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इन्वर्स है ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा H1 इन्वर्स और ये हो जाएगा E2 इन्वर्स। अब इसको इस पे अप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, G1 H1 इन्वर्स कोमा E2 E2 इन्वर्स, ठीक है। और जब ये इस फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे कैसे आया है ये पहले लिख लेते हैं, चूँकि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स,
ये डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होता है दो ग्रुप्स का उससे, तो यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा ए टू इज इक्वल टू ई टू इनवर्स बिलोंग्स टू जी वन एंड ई टू इनवर्स, या ये कह लीजिए इज इक्वल टू ई टू स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू। यानी इस टर्म को फिर से समझिए, ई टू इज इक्वल टू ई टू इनवर्स, ये दोनों बिलोंग्स करेगा किससे, जी वन से। अगर ई टू रखते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके ई टू का स्क्वायर हो जाएगा और ये फिर ई टू ही देगा। अगर हम वन में वन से गुना करें तो ये क्या होगा, वन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमें क्या देगा, वन ही देगा। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा। तो अब इसका जो डायरेक्ट हमारा ग्रुप का, जो दो ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो गिव करेगा एच वन और जी वन, और ये एच वन का इनवर्स और कोमा कितना ई टू, ठीक है। ई टू कैसे, तो ई टू इंटू ई टू इनवर्स इज इक्वल टू ई टू, ठीक है। और ये बिलोंग्स करेगा किससे, तो जो हमारा सेट था ई टू का, इससे। तो इससे ये साबित होता है कि ये जी वन जी क्रॉस ई टू, ठीक है, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी वन क्रॉस जी टू। तो ये सब ग्रुप हो गया। अब हम दिखाएंगे नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या करना है, पहले हेडिंग डाल लें नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो एलिमेंट है ये जी वन ई टू, ये एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट के दोनों साइड में हम क्या करते हैं, x1 x2 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेते हैं x2, और ये x1 कोमा x2 का इनवर्स इज इक्वल टू हमें क्या देगा। अब ध्यान से इसे समझना है, जब हम इस पर इसको अप्लाई कराएंगे तो ये हमें गिव करेगा x1 g1 कोमा x2, ये e2 है तो यहाँ पे e2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x1 कोमा x2 का होल इनवर्स, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x1 g1 कोमा x2 e2, और यहाँ इसके बदले में लिखेंगे ये इनवर्स इस पर अप्लाई होगा तो x1 का इनवर्स कोमा x2 का इनवर्स, जहाँ पे फॉर ऑल x1 कोमा x x1 कोमा g1 कोमा x1 का इनवर्स बिलोंग्स टू g1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये x1 g1 x1 इनवर्स कोमा, फिर मिल जाएगा ये हमारा x2 e2 x इनवर्स, ये x2 का इनवर्स। कैसे, एक बार फिर से समझिए इसे, यहाँ से ये हमारा x1 g1 है तो x इनवर्स आ जाएगा, तो x1 g1 x इनवर्स आ गया, ये x2 e2 इनवर्स, तो x2 e2 e2 इनवर्स आ गया, ठीक है, x2 इनवर्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे x2 e2 इज इक्वल टू x2 बिलोंग्स टू g2। अगर x2 e2 है तो ये x2 के बराबर होगा और ये बिलोंग्स करेगा किससे, g2 से। तो यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है हम इसको G2 से बिलोंग्स करा सकते हैं, विच मीन्स हमें ये लिखना है X1 और ये G1 X1 का इनवर्स कोमा E2, ठीक है, और ये किससे बिलोंग्स करेगा, तो ये बिलोंग्स करेगा हमारा G1 क्रॉस E2 से। तो ये दोनों बिलोंग्स किया, इसका मतलब ये है चूँकि X1 G1 कोमा X इनवर्स belongs to G, ठीक है, belongs to G, which imply ये हो जाएगा x1 g1 x इनवर्स वन, या x1 इनवर्स belongs to G1, ठीक है। दस g1 cross e2 is a normal subgroup, normal subgroup of g1 cross g2। तो ये हमने लेके चला था किसके लिए, जो हमारा ये पहले वाला है, कौन सा, g1
क्रॉस ई टू के लिए, अब हम क्या करेंगे ई वन क्रॉस जी टू के लिए दिखाएंगे। तो ये जो काम है ना यहाँ से, जो हम यहाँ से काम किए हैं ये फर्स्टली से, तो ये काम अब हमें नहीं करना है, ठीक है ना। हमें पहले इसका सब ग्रुप दिखाना, फिर नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना, ये सब चीज़ हम दिखा दिए हैं। हम यहाँ पे सिमिलरली का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस, या डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे इवन क्रॉस यहाँ पे जी टू इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी वन क्रॉस जी टू। और ये जो प्रूफ है ये हमारा हो गया। एक बार मैं और समझाता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमारा फर्स्ट जो काम करना है वो करना है कि कुछ एलिमेंट मान लेना है, कोई तीन एलिमेंट, तो जी वन एच वन ई वन हमने दो तीन एलिमेंट मान लिया। आप यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री भी कर सकते थे, यहाँ पे वाई वन वाई टू वाई थ्री भी कर सकते थे, ठीक है। ये एलिमेंट जो है वो जी वन से बिलोंग्स कर रहा है, ये जी टू से बिलोंग्स कर रहा है। हमने क्या किया है कि इसका दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाला, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाला तो एक सेट फॉर्म हो गया, जो ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ आ गया। यहाँ पे हमारा ये सेट के फॉर्म में मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि जो पहला G1 और E2 है ये निकालते हैं। तो जो G1 का एलिमेंट है ये पूरा ये है वाला है, और E2 क्या है तो E2 E2 ही है। जब हम इसका प्रोडक्ट निकाले हैं तो हमारा ये वाला फंक्शन मिल गया। तो अब हमको फर्स्ट में ये दिखाना है कि ये G1 क्रॉस G2 जो है वो इसका सबसेट है, यानी कि G1 क्रॉस E2 जो है वो सबसेट है किसका, G1 क्रॉस G2 का। तो इसको सबसेट दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका एलिमेंट लेना होगा, फिर इसका इन्वर्स लेना होगा। तो G1 और H1 और दोनों में हम क्या कर रहे हैं कि इसका E2 और E2 का इन्वर्स ले रहे हैं। इन्वर्स लेने के बाद ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, और इस फॉर्म में आ गया तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप से क्या मिल जाता है हमें, हमें मिल जाता है अगर E2 इज इक्वल टू E2 इन्वर्स बिलोंग्स टू G1 हो तो ये E2 इंटू E2 या E2 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 ही मिलता है। तो उस वाले फॉर्म के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये वाले फॉर्म की जगह पर E2 रख सकते हैं जो कि बिलोंग कर रहा है E2 से। तो ये हम निकाले हैं G1 क्रॉस E2 और ये बिलोंग्स कर रहा है किससे, E2 से। इट मीन्स ये हमारा सब ग्रुप है किसका, G1 क्रॉस G का। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एलिमेंट है G1 E2 इसमें हम क्या करेंगे X1 और X2 जो कि एलिमेंट है किसका, G1 का, उससे हम क्या करेंगे एक बार प्री और पोस्ट, प्री में हम सिंपल रखेंगे और पोस्ट में इसका इन्वर्स रखेंगे। पहले इसको अप्लाई कराएंगे इसके ऊपर तो ये हमारा ये देगा, फिर इस पर अप्लाई कराएंगे ये तो ये इतना आएगा, और फिर अप्लाई कराएंगे तो ये हमारा इतना आएगा। किसके लिए, तो फॉर सभी x1 g1 और x1 इन्वर्स बिलोंग्स टू g1 के लिए। तो चूंकि x2 e2 इज इक्वल टू x2 होता है तो इसलिए हम यहाँ पे e2 रख लेंगे इतने के वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या होगा कि ये बिलोंग्स कर रहा है g1 क्रॉस e2 से, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा है x1 g1 और x1 इन्वर्स बिलोंग्स टू g, यानी कि g से बिलोंग्स कर रहा है, देन ये x1 g1 और x1 इन्वर्स जो है वो g1 से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो दस क्या हो जाएगा, G1 क्रॉस E2 जो है वो हमारा एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G1 क्रॉस G2 का। सिमिलरली उसी तरीके से हम E1 क्रॉस E2 का भी दिखा सकते हैं कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।